नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि काले रंग के व्यक्ति अपने त्वचा को गोरा करने के लिए पार्लर और महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं, जो गोरा करने के बजाय काला करने का कार्य करते हैं। सच माने तो अपने रंग को निखारने के लिए हम घरेलू उपायों का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे घर और रसोई में कई ऐसे उपाय हैं जिनकी मदद से आप अपनी रंगत में फर्क ला सकती हैं। इसलिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि आजकल के व्यस्त दिनचर्या में इस तरह के उपायों का प्रयोग करने के लिए आपके पास समय नहीं है। ये ऐसे उपाय हैं जिनकी मदद से आप कम समय में आसानी से काली से गोरी त्वचा पा सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या ये उपाय है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई जानकारी आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, हम यहाँ पर जिस उपाय की बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर आपको एक कच्चा आलू लेना है और आपको कच्चे आलू को छील लेना है। इसके बाद आपको इसे कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने के बाद में एक छलनी की मदद से आपको इसका रस निकाल लेना है। इस तरीके से आपका रस निकल के दोस्तों तैयार है। अब आपको क्या करना दोस्तों, इस खाली बाउल में लेना होगा 1 चम्मच का रवा फेयर लवली, जो कि दोस्तों आपको 10 रुपये वाली फेयर लवली का पाउच लेना है और यहाँ पर आपको 1 चम्मच के बराबर इसमें फेयर लवली ऐड करनी होगी। इस तरीके से दोस्तों 1 चम्मच फेयर लवली लेकर अब आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच कच्चे आलू का रस। कच्चे आलू का रस हमारे चेहरे के दाग धब्बे और झाइयों को मिटाता है। कच्चे आलू का रस त्वचा के खुले पोर्स को बंद करता है, जिससे त्वचा में कसाव आता है। यह मुहासे, एंगिंग की समस्या और चेहरे के कालेपन से छुटकारा दिलाता है। इसमें मौजूद स्टार्च एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करता है, जिससे हमारी त्वचा काफी गोरी और चमकदार दिखती है। तो आपको इसके अंदर 1 चम्मच कच्चे आलू का रस ऐड करना है। इस तरीके से दोस्तों 1 चम्मच कच्चा आलू का रस लेकर अब आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। आपको इसे इतना मिलाना दोस्तों कि कच्चा आलू और फेयर लवली क्रीम एक दूसरे के अंदर अच्छे से समा जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये हमारी एक ब्लीचिंग क्रीम बनके तैयार है। ये हमारे चेहरे के जितने भी दाग धब्बे हैं सबको रिमूव करेगी और हमारे चेहरे को काफ़ी गोरा और चमकदार बनाएगी। दोस्तों, अब इसे लगाने का तरीका है वो दोस्तों ये, आप उंगलियों की मदद से इस तरीके से इस क्रीम को लेकर अपने चेहरे के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करें। दोस्तों, अपने पूरे चेहरे पर इस क्रीम को आपको इस तरीके से लगा लेना है। फिर आपको 5 मिनट तक इसे ऐसे लगा हुआ छोड़ देना है। 5 मिनट बाद उंगलियों की मदद से आपको इस तरीके से इसकी मसाज करनी है, जिससे कि दोस्तों ये क्रीम आपके स्किन के अंदर तक जाकर एब्जॉर्ब हो जाए और आपकी त्वचा पर निखार लाए। तो आपको इस तरीके से अच्छे से इसकी 2 से 3 मिनट तक मसाज करनी है, जिससे कि जितनी भी धूल मिट्टी गंदगी सारी इससे बाहर निकल जाएगी। दोस्तों, इसे करने के बाद में आप अपने चेहरे को सादा पानी से धोकर साफ कर दें। फिर इसके बाद आप देखोगे आपका चेहरा काफ़ी गोरा, चमकदार और सुंदर दिखने लगेगा। आप इस नुस्खे को जरूर ट्राई करें। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आपके लिए फिर लाऊंगा अच्छा सा वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।